नाते रिश्ते भी जिंदा हैं। प्रणाम और प्रणाम। नमस्कार। तो आप देखा जाए पुनः गांव की ओर, और आखिर में किले बोल दूंगी जेते नहीं दिखाऊ कोई और वेतन दिखाऊ तो पुनः गांव की ओर। आप बोला बना ये जूता चप्पल में आपके किले दिखाऊ, लेकिन बोल आन की जब गल कहे मर भर जूता चप्पल को ढेर में लगी तो समझ लिया ये एक संकेत है कि वह का अपना कोई छेनान। आज इस छोटे से कैमरे में और छोटे से कमरे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने रिश्ते हमारे आज यहाँ बैठे हुए। तो आवा बात कर दो अग्नि की, आवा आप घुस गए वे कमरा में। अरे छोटे से कैमरा में ये दिखा रहा तुम। प्रणाम आओ प्रणाम। और मैं चाह रहा हूँ कि सभी दीदी बुली भाई बहन हमारा ये वीडियो तो जरूर दिखा रहे हैं। ये वीडियो बनो मकसद क्या कि रिश्ता नाता नहीं बुला, अपनी संस्कृति सी संस्कार से जुड़ा रहा। हमारी संस्कृति और संस्कार छा जो हम तो मिलों दी आपस में जोड़ी के रख दी। यह मैं कोई हमारी दीदी चाह कोई बुली चाह कोई नातीना कोई बेटिया कोई बारिया कह दे कि हम रिश्ता हमारे गाँव में जी बहुत पुराना चाह बहुत अच्छे आप पछाने वाला कोई अब बैठे डबली के बैठे। और मैं पूरी कहानी सुनाऊँ पहले आप तो ही पहले आप बिगड़ने की कोशिश करा और कोई छुटने जाओ ये कैमरे की नज़र सी ये हमारा कैप्टन साहब। तो ये देखो आप। और अब मैं जोड़ दूँ आपने कहानी सी सामने आप देखने वाली तस्वीर। यह वो तस्वीर चाहे हमारा नहीं आप घर में बोंदी कि जो हम तो हमेशा जोड़ लो काम कर दी। तो आज जन कि मैंने आपने शुरू में बताई कि हम एक चौया तेरहवीं मजी तो धन्य छन हमारा संस्कार और धन्य छन वो लोग जो ये परंपरा जीवित रखी। और हमने देखा छोटे से कमरे में आज भाई बहन छा बैठे आप कुछ तो मेरी बात सुनी सन्न हो गए नहीं आप कोई प्रसन्न हो गए नहीं है ना। आप बोल कर कुछ कोई बात नहीं है ना। और ये हमारी स्वर्गीय भाभी जी एक नई चीज मैं तो दिख रही है घर में जी नीलकंठ महादेव देवलसारी महादेव माँ चंद्रबनी और ये वाला आप देखना वंश वृक्ष रतुड़ी परिवार यानी कि इसमें पूरा सब कुछ विवरण है कि हम कौन है कहाँ से क्या है। तो अब तक जो आपने देखी ये से आप समझी वाला कि मैं यह वीडियो के लिए बनाऊँ और बार बार मैं अपना शब्द रिपीट कर लूँगी कि जब पिता के घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तब वो हंसता है और जब वो दुनिया जाता है तब उसके बच्चे रोते हैं। लेकिन आज तेरहवीं है भाई साहब की स्वर्गीय श्री रत्नमणि जी रतुड़ी जी की तो आज सबके चेहरों पर मुस्कुराहट भी है। तो ये है हमारे रिश्तों की ताकत। तो भगवान इन सभी पितृ देवताओं की आत्मा को शांति दे और हमें ऐसे शब्द दे कि हम एक होकर परिवार में रहें। और मैं आज एक किला आया हूँ कि हम एक अभ्यास के चाहूँ आपने याद बोली मैंने सूतक पातक वाली एक वीडियो दिखाए थे आपने उत्तरकाशी बेटी तो मैं यहाँ खाते दिखाया था कि सूतक पातक लोग मंदिर नहीं जाना। अच्छा तुम बोल रहे कुछ बोला बोला कल लगड़ो जो मैंने बोले अब तक है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है आपस में सब लोग मिल रहे हैं कैसा लग रहा है बच्चों ये नई पीढ़ी हमारी अच्छा लगड़ो है मौसम क्या मौसम। और ये हमारे सती जी रणकोटी जी हैं बहुत बढ़िया कुछ बोल चाहे आप एक बार हम सभी भाई बहनों से मेरे नमस्कार। जन आपन बोली हम लोग हमेशा अपनी जड़ों से चुने आ रहे हूँ बिल्कुल ये कुछ हारसा और ये जो रतुड़ी परिवार है यू ये कलयुग में सबसे बड़ा उदाहरण था कि अपना जो आबाल वो छन वृद्ध छन और जो यू का बीच संस्कार छन तो वो पीढ़ी दर ट्रांसफर होने लगे बिल्कुल। तो यू पूरे समाज में अगर इन परिवार रह जाओ तो हम लोग जो हमारी पुरानी संस्कृति है भारतीय संस्कृति तो वो हम लोग पुनर्जीवित ये परिवार करने लगे या मैं ये परिवार ते बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके शब्द खातर भी है ना आप मैं लोग सबसे बुजुर्ग आप हमारे बीच में आप सबसे बड़ी समनिंग है बड़ी समझी जी आपकी समझी तो मैं तो बुढ़ समझूंगा तब बड़ी चलो आप बेटा आप कुछ बोलेंगे बोलो बस बढ़िया था ये न बाबा आए गड़वा दे मन बाबा आए परीक्षा और भी गड़वा दे पुनः आज
नहीं होंगी आप सिकड़ हुआ पक्की बात माँ कसम मम्मी कसम नहीं मजाक की बात नहीं बोलना मतलब हम तो और बात समझ हम तो नौकरी मिलती रोजगार मिलते पैसे कमाना लेकिन खुशी हम तो अपनी बोली भाषा मिलती ये बात गारंटी ची है ना। और एक थोड़ा और परिचय करो मई हमारा दीपक जी और ये हमारी बहू रानी और इनके हाथ में ये तो कोई मिठाई का डब्बा भी है और सौभाग्य है कि आज इनकी आज ये मैरिज एनिवर्सरी है थोड़ा ताली बजा भाई 31 वर्ष बहुत बढ़िया है पर एक बार दुल्हन तो आई सजी से और दुल्हन बेचारे एक दिन सज दो खाली और टोपली के लिए पहरी है बाल कम हो गए अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया है ये आपके लिए हमारे बड़ा जी था ना हमारा पिताजी लोग पांच भाई था पांच भाई मन अब एक भाई था और तक बाद जो जो तो वो काम छो वो भाई साहब बना बढ़ो लगे बड़े जी था बड़े जी की पूरी पूरी बात हमारे भाई साहब में पूरा भाई साहब को ये पूरे जो परिवार से जुड़ो काम करना सब सारे मिलो काम करना वो सारा काम यो कुछ ये इनका लगे पूरे परिवार रवि बिल्कुल पूरा पूरा बोल रहे ना बहुत बढ़िया आप क्या कहना चाहेंगे क्या बोल चाल बोल मैं तो बहुत खुशी हो रही आज कि ये मौका पर हमारा ताऊ जी को आज 13वीं है और ये शुभ अवसर पर हम तो बोला कि ताऊ जी को सारा पितृदेवताओं का आशीर्वाद पूरा परिवार पर बिल्कुल। और जो हमारे बोला था सुरेश अभी कि अब ताऊ जी जो हमारा धान तो तय का बाद जो नई पीढ़ी है हमारी हमारी पीढ़ी बिल्कुल तो हमारी पीढ़ी में अब क्योंकि मेरे माता पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए ना और एक ही चाचा जी महाराज जी भी ठंड बम्बई में रहना तो तय के बाद हमारा अग्रम अग्रिम पंक्ति का सबसे बड़ा अग्रजी सर हमारा श्री रमेश प्रसाद रतूड़ जी बड़ा भाई साहब ये हमारा ताऊ जी सर हमारे पिताजी सर और जो सर योग मार्गदर्शन हमारा सारा कार्यक्रम होगा सारा ये से पहले जब हमारे पिताजी लोग पांच भाई था तब तक बिठा इसी के संस्कार के जो भी कार्यक्रम हो तो पहले बड़ा जी की अनुमति ले जानते हैं कि बड़े कन भाई करने की निकलने तो हम कोशिश करना कि संस्कार हम जीवित रखूँ और पूर्व परिवार एकता के साथ जियो क्योंकि धन दौलत की विशेष महत्व नहीं प्यार प्रेम की बहुत कमी है हम चाहे संस्कार तो हमारी बढ़वानी नंबर बहुत बढ़िया तो असल में पुनः गाँव की ओर भी चाहे मैं यहाँ के बोल लू कहीं यहाँ के मैं इधर बड़ बड़ कर दूँ की कुछ और बोली जी जी आज हमारी जो शादी की सालगिरह भी आशीर्वाद बिल्कुल सब बढ़वाया तेरे सहयोग है ना मतलब एक बार आते फोड़ देने पर घरे में कम पड़ जाला ये देखो ये हमारे भतीजे की आवाज है खुली वा आइन में आवाज पहचान दिखा मेरी वीडियो सजी बहुत बहुत बढ़िया वीडियो पुना गांव की और गद 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 भाई तुम्हारा कौन राजा बाबू बगल में क्या राजा बाबू मेरा बेका हूँ राजा बाबू कह रहे मेरे ससुराल में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है बेटे मैं तो मेरे तो तुम दामाद मैं तो करूंगा नहीं तो बात इंट्रोवर्ट क्यों भाई अच्छा 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 बहुत बढ़िया तो रमेश जी आपको धन्यवाद हाँ नहीं नहीं एक नहीं नहीं एक बात आप तो कविताएं बहुत अच्छी सी गाती हैं आपने कविताएं बहुत सारी लिखी होंगी और नई लिखी तो एक जरूर लिखना कि समाज को कैसे जोड़ा जाए क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो टूट रही है रिश्तों से बड़ी ताकत पहले हम जीते थे रिश्तों में अब जी रहे किस्तों में तो मैं कहता हूँ रिश्तों में जियो रिश्तों में जो आनंद है ना वो किसी में नहीं है आप बहुत बहुत धन्यवाद आपने एक मैथ नहीं एक मतलब एक नई विषय दे ली क्या समाज को कैसे जोड़ा जाए इमोशनल टच देना आपने गड़बड़ी में हिंदी में कोई बात नहीं लेकिन इमोशनल टच इसलिए देना है कि आदमी प्रोफेशनल नहीं समझता है इमोशनल आदमी सब समझता है कोई माँ पे कोई कविता आपने मतलब मुझे एक विषय दे ली कि भाई समाज को हम कैसे जोड़े और ये बहुत अच्छा विषय से बहुत अच्छी कविता बन सकती है और मेरा प्रयास रहूं कि मैं अगले ये पर एक कविता की रचना करूं। सबसे पहले ताजा जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ पुनः गांव की ओर का चैनल का आप इतना मेहनत करते हैं और जन जागरण कर रहे हैं चाहे वो सिलकेरा टनल वाली बात हो चाहे कहीं की बात हो केदारनाथ में आपने अभी लोकार्पण चैनल के साथ बड़ा ही सुंदर कार्य किया जो कि आपका था कि वीआईपी दर्शन वाला दूसरा वो हुड़दंग पार्टी वाला वो सब आप कवर करते हैं केदारनाथ का और जो नेगेटिव चीजें सोशल मीडिया के जरिए
इस पे आता है उसका आपने खंडन किया और बहुत सही सा एक चीज बोला है कि जो उत्तराखंड में व्यापार कर रहे हैं चाहे दूर दराज के क्षेत्रों में सामान पहुंचा रहे हैं, हम मामूली होटल में जाते हैं तो 50 रुपए का एक पराठा मिलता है, बिल्कुल। और केदारनाथ में आप जाएं इतनी दूर चढ़ाई पर जा करके आपको 50 रुपए का पराठा मिलता है, और हमारे लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो उनका लोग ये करते हैं, बहुत महंगाई है। पानी की बोतल 70 रुपए की है, मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की कितनी प्रॉब्लम है ये आप सब लोग जानते हैं, और जो वहाँ पे गया होगा उसको इस चीज का एहसास होगा। लास्ट में आज इस मौके पर आप आए, आपने वीडियो कवर किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी फैमिली की तरफ से। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारी बहू हैं आप इनसे इनके परिचय के तो मोहताज नहीं है क्योंकि खुद में बहुत बड़ी हस्ती हैं, और मैं आपके पिताजी की भागवत में गया था उत्तरकाशी, बहुत ही भव्य प्रोग्राम था, और श्री राम भट्ट आचार्य जी थे उनके मुखारविंद से कथा श्रवण की, और इन्होंने एक इमोशनल एक कविता गाई थी शायद मुझे याद हो माता पिता के बारे में, तो मैं चाहूँगा आज इस मौके पर वो 2 लाइन अपनी प्रस्तुत करें इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इस मौके पर हमारे आज अपने परिवार संबंधित कोई कविता बोलनी थी लेकिन अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं माँ गंगा पर अपने एक स्वरचित कविता आप सबके समक्ष रखना चाह रही हूँ। पतित पावनी माँ गंगा, धो रही माँ सदा पाप संसार के, धो रही माँ सदा पाप संसार के, कर रही माँ सदा कर रही माँ जतन देख उद्धार के, स्वर्ग से आ गई थी कभी तुम यहाँ, स्वर्ग से आ गई थी कभी तुम यहाँ, वास था माँ शिवा के जटा में वहाँ, वास था माँ शिवा के जटा में वहाँ, माँ पतित पावनी लोग तुझे को कहे, माँ पतित पावनी लोग तुझे को कहे, शांति निश्चल हो रहे माँ सदा ही बहे, मैल करते प्रवाहित मनुजी जान के, मैल करते प्रवाहित मनुजी जान के, हो चली माँ दुखी कह रही माँ ले, हो रही माँ दुखी कह रही मान ले, एक तरफ तो कहे माँ सदा पावनी, एक तरफ तो कहे माँ सदा पावनी, रात दिन ले रहे नाम मंदाकिनी, रात दिन ले रहे नाम मंदाकिनी, जाग जाओ धरा के पतित मानवो, जाग जाओ धरा के पतित मानवो, दर्द समझो न पापी बनो दानवो, दर्द समझो न पापी बनो दानवो। धन्यवाद, बहुत सुंदर, आप सामने सुना इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखो साथ साथ में रीति रिवाज कविताओं का दौर चल जो है चल पड़ा है, और ये हमारी भतीजे दिनेश रतवड़ी, और ये पीछे हमारी बहू रानी बैठी है पीछे कुर्सी पे ये मुस्कुरा रही है जोर से, जो यही है। आदरणीय चाचा जी, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं क्षमा चाहूँगा कि गढ़वाली में बोल सकते हैं कुछ उसको, मैं चूंकि हमारी हिंदी एक राजभाषा भी है और सभी उसको समझते हैं, बिल्कुल, तो इसमें संस्कृत की जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो 2 श्लोक से मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, चारों दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आवे। और एक दूसरा श्लोक का भी हमारे मनुष्य ने कहा, किम करसेंति वक्ता रह श्रोता यत्र न विद्यते, जहां श्रोता ही नहीं होंगे, जहां सुनने वाले ही नहीं होंगे, वहां बोलने वाले क्या करेंगे।
तो इस बातों को आगे ले जाते हुए आज जो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे आदरणीय ताऊ जी हैं उनकी 13वीं के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि पूर्व में भी हमारे अग्रज हमारे अनुज बता चुके हैं कि हमारा परिवार एक ऐसा परिवार रहा है कि जिसमें अनेकता में एकता को दृष्टि गोचर, क्योंकि भांति भांति के कार्य कर्तव्यों से का निर्वहन करते हुए कोई चाहे रोजगार से संबंधित है, कोई नौकरी पेशा में है, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, तभी भी हम एक हैं। बिल्कुल। तो ये ईश्वर की अनुकंपा है कि हमें ऐसे अवसर मिल जाते हैं कि हम लोग एक हो जाते हैं, इस परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय चाचा जी, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि पुनः गांव की ओर जैसे नवाचारी पहल को आपने जो शुरुआत करके जो भारतीय संस्कृति और जो गौरव है उसकी जड़ों से जुड़े रहने का जो ये अभिनव प्रयास आपने किया है, तो ये आगे चलता रहे और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो। और इसमें हम लोगों को एक संदेश भी है कि भाई चाहे हम कहीं भी रहें लेकिन हमें अपनी जड़ों और संस्कृति को नहीं भूलना है। और सबसे और एक दूसरी बात यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर ये भी है कि ये पितृ कार्य तो है ही, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, सभी लोग सकुशल अपने पैरों पे खड़े हैं। और इसके साथ एक खुशी और भी है कि मेरे अनुज और बहू यहाँ पर बैठे हैं, उनके भी विवाह की जो सालगिरह है, तो ऐसा अवसर तो मैं बोलता हूँ वर्षों में कभी कभी ऐसा बनता है, तो ये सबका आशीर्वाद यहाँ पर हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं जो हमारे पिता तुल्य हैं, आदरणीय जगदीश भाई जी, आदरणीय कैप्टन रमेश भाई साहब जो हमारे पिता तुल्य हैं, जिनका मार्गदर्शन और सभी भी हैं, इवन के हमारे, ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अनुज हैं, इवन के जो हमारे बच्चे भी हैं, वो इतने संस्कार से भरे हुए हैं कि उनके बातचीत करने का ढंग, उनका जो कमिटमेंट है, जो आपका अपनी सेवा का योगदान है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये अपने आप ही चलता जाता है जैसा हम लोग करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये बात अलग होती है कि व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, कोई प्रखर होता है, कोई गंभीर होता है, हसमुख होता है, लेकिन अंदर से विचार ठीक है, सब लोग मनोयोग से एक हैं, सबकी सुख समृद्धि, इवन की पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा चाचा जी कि आप इस पुनीत कार्य को आगे ले जा रहे हैं और इसको इसी तरह से आप अग्रसर करते रहें और इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो, पूरे वैश्विक स्तर पर हो, जिससे कि और लोग भी इससे प्रेरणा पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी का। एक बार सभी बोलेंगे, बोलो पितृ देवताओं की, बोलो इष्ट देवताओं की, ग्राम देवताओं की, जिन्होंने आज हमें सद्बुद्धि दी है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। पुनः गांव की ओर। अब ये हमारी तरफ से आपको मुंह मीठा करवा। अरे बेटा ये तो खाए नहीं हूँ, ये आप खाए नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमारी मिठाई है। ओम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमंगलं श्रीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभणं सर्वलोकैकनाथं ओम अनादिनिधनादेव शंखचक्रगदाधर अक्षयं पुंडरीकाक्षं पितृमोक्षं वरदोभवभूचरादो ओम हरिं निरंतरं क्षीरं हरिं गंधक्षतां समर्पयामि नमो विष्णुवे नमो विष्णुवे नमो विष्णुवे नमो हरि ओम मा ओम हरि ओम कारकम ओम ज्योति ज्योति अब आए तुम लास्ट में तो ये नौ नीचे बहुत बट है ये बड़ी नौ नहीं ये तो पहले वीडियो में बैठे हैं तुम अभी आए ना चलो ठीक है बढ़िया हो गया बहुत अब तो माँ बेटी से चुप छा ना आज की वीडियो सिरे से आप तो जान दू बहुत बहुत धन्यवाद जन जागरण फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं आपका अभियान सफल रहे मैं तो यूं लगी मैं आज 80 रुपये जब बनी आज 80 रुपये में बांटी दो आप जरा एक वीडियो तो बनाई दो आज इसलिए बनाई मैंने है समझी चलो ठीक है बनाने तो भाई जय माता की मेरी दिल्ली रहा मैं तो जंग रहा मैं तो बनी अब सहित जब तुम्हारे सहित रहे ना तक मैं कार्यक्रम करके साथ बने के बाद इकट्ठा हो लोग ना दीदी बुली बहनी पुरानी निर्मयती ठीक है तो चलो आज को संदेश आप सभी दीदी बुलते हैं तगड़े में कर लगी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जान और कोशिश करें कि अपने गाँव में बुझान जितना हो सकूँ अपना रिश्ता नाता रिवाज जो तो निभाने की कोशिश करा जो तो हम निभोला हम आपस में मिलना मिलना तो खुशी बोली खुशी बड़ी को खुराक दी बंदी जय हिंद जय भारत जय देव उत्तराखंड और जय हो हमारी पितृ देवताओं की और भाई बंधु।